Hello everyone, I hope everything is fine and welcome to the Jai study classes. In this video we are going to explain the first chapter of activity book, and that is Rekha's new friend. So let's start the chapter without any delay. तो ये जो है एक्टिविटी बुक है इंग्लिश सेकेंड की, चैप्टर वन हमें पढ़नी है इसमें. तो इसका जो टाइटल होता है वो तो सेम ही रहता है जो कि इंग्लिश वन के बुक में रहती है, रेखाज न्यू फ्रेंड. बट इसमें हमें क्या करना होता है, एक्टिविटी बुक में पैसेज दिए हुए रहते हैं जिसे हमें पढ़ना रहता है और अच्छे से समझना रहता है. ओके, तो अब हम देखते हैं क्या है इस पैसेज में. इट वॉज़ रोज़ बर्थडे एंड सी वॉज़ वेरी एक्साइटेड. तो इसमें बताया जा रहा है कि एक रोज़ है जो कि एक लड़की है जिसका बर्थडे था एंड वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी. हर मदर बेक्ड अ डिलीशियस चॉकलेट केक फॉर हर, और उसकी मम्मी ने उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस टेस्टी चॉकलेट केक बनाई रखी है उसके लिए, क्योंकि आज उसका बर्थडे है. हर फादर गिव हर अ बिग बुक ऑन डायनासोरस, और उसके जो फादर है उसे क्या देते हैं, एक बहुत ही बुक बड़ा देते हैं जिसमें डायनासोर के बारे में रहता है. रोज़ एल्डर सिस्टर रूई गिव हर अ ब्यूटीफुल फ्लावर पॉट, और उसकी जो बड़ी बहन है रोज की वो क्या देती है उसे, एक बहुत ही अच्छा सा फ्लावर पॉट देती है. इन द इवनिंग रोज़ फ्रेंड्स कम टू हर हाउस फॉर अ बर्थडे पार्टी, और शाम को जो रोज़ की फ्रेंड्स हैं वो आते हैं बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए. ओके, दे प्लेड एंड सेंग इन द गार्डन एंड देन हैड द लवली मील दैट रोज़ मदर कुक्ड फॉर देम. और ये सब गार्डन में क्या करते हैं, खेलते हैं और गाना गाते हैं, और उसके बाद ये सब मील लेते हैं जो कि रोज़ की मदर ने बनाया रहता है इन सबों के लिए. और मील का मतलब क्या होता है, जो हम इवनिंग में जो खाना लेते हैं उसे कहते हैं. ओके, अब क्या है, इफ़ ओनली ग्रैंडमा वाज हियर थॉट रोज. अब जो है जो रोज़ है वो सोचती है अगर ग्रैंडमा यहाँ पे रहती तो कितना अच्छा रहता. ओके, एंड रोज ये सोचती है कि उसकी ग्रैंड मदर रहती तो कितना अच्छा रहता. उसके साथ साथ वो एक पिंक टेडी बियर को देखती है जो इसके ग्रैंड मदर ने इसके पिछले बर्थडे में दिया था. ओके, इसके लास्ट बर्थडे पे दिया हुआ था. जस्ट देन द डोरबेल रैंग, और तभी क्या होता है, डोरबेल बजती है. इट वॉज ग्रैंडमा, सरप्राइज्ड सेड ग्रैंडमा. ग्रैंडमा पुट डाउन हर बैग्स एंड गेव रोज अ बिग हग, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग रोज. उसके बाद जैसे ही गेट खुलता है तो वो ग्रैंड मदर रहती है और वो कहती है सरप्राइज, और उसके बाद अपने बैग को रखती है और रोज को एक बहुत ही बड़ा हक देती हैं. ओके, यानी कि गले मिलती हैं रोज से. उसके बाद हैप्पी बर्थडे डार्लिंग रोज, और उसे कहती है हैप्पी बर्थडे रोज. ओके, अब हमें इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमें अच्छे से याद रखना होगा क्योंकि छोटा सा पैसेज है और उसके बाद हमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर मिलेंगे आगे. तो इसे हमें क्या करना है, अब देखना है कि ये जो है किसके बारे में, ये जो पैसेज है वो किसके बारे में है. तो रोज़ के बारे में है जिसका बर्थडे रहता है. ओके, उसकी मदर ने क्या बनाया रहता है, एक चॉकलेट केक बनाया रहता है उसके लिए. ओके, और उसके फादर उसे क्या देते हैं, एक बुक देते हैं जो कि डायनासोरस के बारे में रहता है. एंड उसकी एल्डर सिस्टर क्या देती हैं, एक फ्लावर पॉट देती हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर पॉट देती हैं. और जो उसके फ्रेंड है रोज़ के फ्रेंड, वो कब आते हैं, शाम को आते हैं घर पे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए. और वो क्या करते हैं, वो सब खेलते हैं और गाना गाते हैं गार्डन में, और उसके बाद मील लेते हैं जो कि उसकी मम्मी यानी कि जो रोज़ की मदर है उसने बनाया हुआ रहता है सभी के लिए. और ये क्या सोचती है, रोज़ क्या सोचती है, तो रोज़ ये सोचती है कि अगर उसकी ग्रैंड मदर रहती यहाँ पे तो और भी ज़्यादा मज़ा आता. और उसके ग्रैंड मदर ने पिछले बर्थडे पे, इससे पिछले वाले बर्थडे पे रोज को क्या दिया हुआ था, तो एक पिंक टेडी बियर दिया था. ओके, तो यही है चैप्टर को. आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर क्लियरली. दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर प्लीज़ कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन. और आप ये भी बताओ कमेंट में कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया कि नहीं. एंड सब्सक्राइब माई चैनल जहाई स्टडी क्लासेस एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.